हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोबिता के टेस्ट पेपर में जीरो आते हैं तब भी उसमें करेक्ट का साइन क्यों बना रहता है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन मैं घर में बैठ के डोरेमोन देख रहा था, तभी उसमें नोबिता के टेस्ट पेपर में जीरो मार्क्स आए थे। तभी मैंने ये चीज नोटिस किया कि उसमें जीरो आए तब भी करेक्ट का साइन क्यों बना हुआ है। गाइज, इसका आंसर मेरे को नहीं पता था कि उस पे करेक्ट का साइन क्यों बना हुआ है, इसीलिए तब मैंने गूगल पे उसके बारे में सर्च किया कि गलत के लिए टिक और सही के लिए सर्कल क्यों लगाया जाता है। गाइज, गूगल बाबा ने मेरे को ये बताया कि जापान में जब किसी के कोई भी सवाल गलत होता है तो उस पे टिक और क्रॉस का मार्क लगाया जाता है, और जब वो सही होता है तो उसको सर्कल कर दिया जाता है, और यही सेम चीज कुछ और जगहों पे भी होती है। होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, और मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।